हम आ चुके हैं अभी भूटान फास्ट फूड सेंटर पे, और यहाँ पे चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि छोटी सी शॉप है, कोई ज़्यादा है नहीं, इतना बड़ा सेटअप नहीं है। चिकन लेग पीस रखा हुआ है और यहाँ पे सारे सारे मसाले हैं। ये भाई हैं, भाई अपना नाम? नरेश थापा। नरेश थापा, आप कहाँ से? नेपाल से। अच्छा, नेपाल से आप? तभी आप यहाँ का मोमोज बढ़िया, ठीक है। नेपाल के अंदर मोमोज काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। हाँ, ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, मैं नेपाल जाने वाला हूँ। हालांकि अच्छा, नेपाल में कहाँ से? नेपाल पोखरा से। अच्छा, पोखरा। ये मोमोज दिखाता हूँ जरा, मोमोज दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बिरयानी है। अच्छा, चिकन बिरयानी। हाँ जी। और ये फ्राइड राइस। अच्छा, फ्राइड राइस। और ये चौमिन के लिए? चौमिन है। अच्छा, चिकन पकौड़ा इधर है। और ये चिकन पकौड़ा। अच्छा, और ये चौमिन इसके अंदर है? हाँ, चौमिन। सारी चीजें गर्म कर देखिए। चलिए, ठीक है। तो फिलहाल जो हम हैं वो मोमोज ट्राई करने वाले हैं। तो मोमोज दीजिए मुझे जरा, हाफ प्लेट वेज मोमोज। आपके मोमोज यहाँ पे फेमस है? देखो मैं कितने दूर से आया हूँ खाने के लिए। दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मोमोज। प्राइस बता दीजिए कैसे? फुल चाहिए कि हाफ चाहिए? हाफ। हाफ में चार को। अच्छा, हाफ में चार। कितने रुपए का? 20 रुपया। अच्छा, ठीक है। और फुल? फुल 40। अच्छा, और चिकन भी? चिकन भी देते हैं आप? हाँ, चिकन चिकन में अभी नहीं है फिलहाल में, अभी बन रहे हैं। अच्छा, जगह का प्रोसेस? हाँ, जगह थोड़ी यहाँ पे मुझे कम नजर आ रही है। यहाँ पे हमारा वेज है जो मोमो से उबाल चुका है, और इसको करते हैं डिनर ट्राई और देखते हैं जो टेस्ट है वो कैसा है। टेस्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, और इसकी जो तो फीलिंग वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो खाते हैं इसको। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बस एक मेयोनीज की कमी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है, और उसी जो लेयर है नीचे से पतली है, ऊपर से थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी सी हल्की सी मुझे कमी नज़र आई। इसके अलावा जो मोमोज का टेस्ट है काफ़ी अच्छा है। इन मोमोज के हालांकि टेस्ट तो अच्छा है, बट एक चीज़ ये जो है वो उतना खास नहीं कहूँगा कि इससे जो ऊपर की जो लेयर है ना वो काफ़ी इन्होंने मोटी कर दी है, जबकि नॉर्मली जो मोमोज और आपको चाहे दिल्ली में चाहे आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगे वहाँ पे इस तरीके का नहीं ऊपर की तरफ होता, पूरा का पूरा जो होता है इसकी जो लेयर होती है पतली होती है। हालांकि टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और उसी तीखी वाली चटनी मोमोज की चटनी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो तीन चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं, और इसके अलावा और देखते हैं। मोमोज इज गुड, यू कैन कम एंड एंजॉय। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये मोमोज। हालांकि मंसूर जी ने जो तुम मुझे मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन के बारे में बताया था जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं बांसी रोड में, तीनों चीज़ें मैंने ट्राई किया, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं मंसूर जी को काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल कहना चाहूँगा अपने सजेशन के लिए, और भी लोग जो मुझे इस तरीके की जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमोज मैंने ट्राई कर लिया है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप हैं पाँच दिन से तो यार डेफिनेटली जरूर आइए, यहाँ के जो मोमोज है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और बनाने वाला जो बंदा है वो नेपाल के हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनके साथ, उनका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो अब चलते हैं मार्केट पे, मैंने दिखा दिया, और देखते हैं शॉप अगर पॉसिबल हो पाता है तो वो भी मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। मंसूर जी ने अलग जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बोला था वो था बांसडी इंटर कॉलेज के सामने एक मॉडर्न गिफ्ट हाउस है, तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे वो जगह मुझे उतनी ज़्यादा खास नहीं लगी, तो सॉरी फॉर दैट मंसूर जी, वो मैं नहीं दिखा पाया, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा पर्सनली। बाकी और सब चीज़ जो आपने सजेशन दिया था वो ज़्यादा अच्छा था। और इसके अलावा ये है पीछे मेरे, आप देख सकते हैं बांसडी इंटर कॉलेज, और इसके ठीक सामने ये मज़ेदार चौमिन बर्गर, तो कई लोगों ने बोला था कि
छोला चाट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, तो हम यहाँ पर आए हैं जरा इसको भी टेस्ट करते हैं छोला चाट को कि यहाँ पे कैसा है टेस्ट। बना रहे हैं ये तो बहुत सारी पुरानी है, हमारे पापा करते आ गए। आ चुकी अपनी चाट, काफी दिखने में हालांकि देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो चाट को जो दिखने में जो मैं कहूँ तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका जो प्राइस है वो 15 रुपीज है। तो चलिए इसको जो टेस्ट करते हैं, काफी सारी चीजें चिक पीस है और सेब है, प्याज है, धनिया है और ऊपर से कितने गोलगप्पे को क्रश करके डाला गया हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा स्वीट भाई साहब, बहुत बढ़िया, थोड़ा हल्का सा तीखा काम है, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। अगर आप ये चाट एंजॉय करना चाहते हैं तो शिवम फास्ट फूड पे आके इसको ट्राई कर सकते हैं। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आज हालांकि पार्टी में मैंने जो जितनी भी चीज़ें खाई सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ये छोला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो आई होप कि जो आज की जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और भी बलिया में किसी जगह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हालांकि मंसूर जी ने काफ़ी समय पहले मुझे रिक्वेस्ट करी थी बाजी मार्केट के वीडियोस के लिए, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिला वैसे मैं इस वीडियो को शूट के लिए आया था। सो आई होप कि जो आज की वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।